स्ट्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय सांसद भाई अशोक यादव जी, सभी मीडिया से जुड़े हुए राकेश जी, अशोक भट्ट जी और सभी लोग, सभी पत्रकार बंधुओं, अभी अपना प्रदेश कार्य समिति प्रारंभ हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय उद्बोधन भी हुआ है। निश्चित तौर पर इस उद्बोधन के दृष्टिकोण से जो रेखा उन्होंने खींचने का काम किया और बताने का काम किया कि हम लोग अपने गठबंधन के आधार पर जिन बातों को लेकर जाने का काम करते थे, आज वास्तव में बिहार फिर से पुराने दौर के हालात से गुजरने का काम कर रही है। याद दिलाती है 1990 के दशक के जिस प्रकार से घटना का क्रम बढ़ा है, जिस प्रकार से लूट डकैती हत्याएं का दौर चला है। एक तरफ सशक्त भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जहां भी हैं, अलग अलग प्रकारों से प्रांतों का तो है ही, देश को 1947 का एक उज्ज्वल भविष्य को एक सशक्त भारत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बिहार की स्थितियाँ हालत बद से बदतर हो गई है, इन 5 बिंदुओं पर अपने स्पष्ट अभिमत और स्पष्ट मंतव्य माननीय अध्यक्ष जी ने देने का काम किया है कि वर्तमान सरकार दिग्भ्रमित करने का काम जो करती है, आज भारतीय जनता पार्टी का कुछ उन 5 बिंदुओं पर जो रुख है, शराबबंदी पे जो स्पष्टता है कि हम उसके पूरी तरह से पक्ष में हैं, और जो मौतें हुई हैं उनके मुआवजा मिलने का काम हो, क्योंकि उसमें प्रशासन पूरी तरह से विफलता साबित हुई है और इसमें कतरा रही है सरकार। हम लोगों ने आरक्षण के विषय पर भी स्पष्ट कहा है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित माननीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री के रूप में थे, उस समय ही आरक्षण के विषय का प्रावधान होने का काम हुआ। और क्रमशः जिन बातों को लेकर प्रांत में फिर अग्रसर होते हुए कि अति पिछड़ों के छात्रावास योजना से लेकर सभी लाभ मिलने का काम हुआ है, उसमें भी माननीय सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री उसके बाद ही मिलने का काम हुआ है। यानी कि जब जब हम लोग थे तो होने का काम हुआ है, पर उप मुख्यमंत्री के नाते भी RJD के शासन में जो रहे हैं उसके समय भी कभी कुछ इस प्रकार का मिलने का काम नहीं हुआ था। जो जातिगत आरक्षण है, जातिगत जनगणना के विषय पर हम लोग का स्पष्ट मत था कि होना चाहिए, उसमें से जितने प्रावधान हैं सब हम लोगों ने देने का काम किया है, उसी के मत के स्वरूप में ही इस विषय को आगे बढ़ा है। पर कहीं ना कहीं मन में इस सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि जातिगत जनगणना को किस दिशा में ले जाना चाहती है, इसलिए सरकार इसमें अपने प्रकार से स्पष्ट साबित नहीं कर पा रही है। जो चौथा विषय है कि विशेष राज्य के दर्जा पर जब उनके जदयू के भी सांसद और चेयरमैन उस नाते माननीय NK सिंह जी थे, उस समय ने कभी डेलीगेशन इन लोगों ने मिलने का काम नहीं किया, और हम लोगों ने इस बात को तो पहले उस समय फाइनेंस कमीशन के थे देने का काम हम लोगों ने नहीं किया था। और रोजगार के विषय पर हम लोगों ने कहा है कि 2020 में सरकारी विभागों में कुल 4.5 नौकरियां की बात कही गई थी, पर 18 महीने में सरकार ने हमने कुल 2.34 लाख सरकारी नौकरियों को अवसर खड़ा किए हैं, जिसमें 40,000 नई नियुक्तियाँ की गई एवं 1.14 लाख शिक्षकों के समेत 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों के बहाली का मार्ग प्रशस्त किए। यानी कि रोजगार के विषय पर भी विभाग सह जो आज निकलने का काम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के समय ही विषय जितने थे उसको लेने का काम किए हैं। उद्योग के क्षेत्र में भी जो इथेनॉल प्लांट से लेकर जितने डबल प्लांट के जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का भी जो काम हुआ है वो केंद्र सरकार के संयोजन के दृष्टि से भी हुआ था। पर एक तरफ जो इन्वेस्टर मीट हम लोग के समय जो तय किया गया था, और उस इन्वेस्टर मीट का जब देखेंगे, जब यहाँ हुआ था कार्यक्रम, तो उसमें हजारों गोलियां जिस प्रकार थरथराने का पटना के बगल में सोन नदी की तरफ से कुलवर से लेकर जो हुआ है वो आपके समझ से स्पष्ट है कि जो इन्वेस्टर्स मीट आए थे उन लोगों को भी जब देखना पड़ा कि स्थितियाँ बिहार में पद से पत्थर हो गई है, बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की दिशा के अगर आप देखेंगे तो हम जो मत हासिल किए हैं उड़ने के चुनाव का जो मत है वो स्पष्ट आपके सामने है कि किस प्रकार से लू की खाई पड़ी हुई है। मोकामा में अकेले हम लोगों ने 63,000 मत प्राप्त कर जिस प्रकार से वृद्धि वहां पर हासिल करने का काम किए हैं, तो यानी कि हम वित्त वर्षों में हम लोगों ने जो घर बनाने का काम, उज्ज्वला योजना का काम, कल्याण का काम, यानी कि लगभग केंद्र सरकार के सपोषित जो अलग अलग प्रकार के योजनाएं हैं, जो राशि प्राप्त होती है अलग अलग योजनाओं का जो हमने देने का काम किया है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प, इस बात को हम लोगों ने चरितार्थ करते हुए सब प्रकार को जो योजनाओं का राशि देने का काम किया है, उसी का प्रतिफल है कि बिहार में उन योजनाओं का काम चल रहा है,
वो गरीब कल्याण हेतु राशन का हो, वो आवास का हो, ऐसे जितनी योजनाएं हैं सब करने का काम हो रहा है। एक तरफ उन प्रांतों को भी देखेंगे जहां उत्तर प्रदेश में 17 लाख करोड़ का निवेश होने का काम हो रहा है, सब प्रकार से स्थितियां इसमें आगे बढ़ने का काम हो रहा है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से आगे बढ़ने का आज एक भविष्य का राज्य है, उड़ीसा का देखेंगे जिस परिस्थिति में था उड़ीसा भी आज अग्रणी राज्य में आगे बढ़ने का काम, बिहार जो ग्रेशन करने का काम हो रहा था पिछले मैदान पर क्रम से जाने का काम हो रहा है, आज महागठबंधन की जो स्थिति है उसके जब आप देखेंगे तो किस प्रकार से अवैध असूली से लेकर हत्याएं का दौर से लेकर सब चल रहा है और आरजेडी वामपंथी कांग्रेस इन सब सम्मिलित है एक अपने आप को गरीब का रहनुमा करने वाले गरीबों के लिए जोड़कर कमजोर करने का काम।